हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माई मैथ्स क्लास। आज हम हमारी एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 में जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट का। सो फर्स्ट है यूनिट ऑफ मेज़र की, जो हमें किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं तो हम कौन कौन सी यूनिट पे करते हैं। लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट हम करते हैं मिलीमीटर से, सेंटीमीटर्स, मीटर्स एंड किलोमीटर में। नेक्स्ट है वेट, वेट का मेजर हम करते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम में। कैपेसिटी, मिलीलीटर्स एंड लीटर्स। अब इनमें यूनिट क्या होती है, ये बड़ी और छोटी यूनिट होती है। सो फर्स्ट टॉपिक है मेजर्स ऑफ लेंथ, कि हम लेंथ का मेजर कैसे करते हैं। जो लेंथ के मेजर के लिए हमें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड मीटर, मिलीलीटर्स, सेंटीमीटर, मीटर्स एंड किलोमीटर, क्या हम इनको कन्वर्ट करते हैं तो क्या मेजर ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले 10 मिलीमीटर में सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, या हम अपोजिट ले तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या अपोजिट ले तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लास्ट है 1000 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। टू कन्वर्ट ए हायर यूनिट ऑफ लेंथ टू स्मॉलर यूनिट वी डू मल्टीप्लाई। जो लेंथ की बड़ी यूनिट को हम छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 के मेजर ऑफ लेंथ से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं उनको। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट इनटू मीटर। आपको किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर को किस पे कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर। ओके, सो 6 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है, 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, 6000 मीटर। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा 6000 मीटर। नेक्स्ट है 3 किलोमीटर 652 मीटर। यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा है, तो हमें इसको तो कन्वर्ट नहीं करना है। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 3 किलोमीटर को। 3 किलोमीटर को सेम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 3000। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, 3000। आपको क्या आंसर आया, 3000। तो आंसर होगा 3652 मीटर। ये इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बिकॉज मीटर की वैल्यू आपको दे रखी है, हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना है। मीटर की वैल्यू को हम किलोमीटर को जो मीटर में हमने चेंज किया है 3000 में, तो 3000 में हम ऐड करेंगे 652। तो क्या आंसर आएगा, 3652 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। मीटर को किस में चेंज करना है, आपको यहाँ पे मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में। ओके, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे दे रखा आपको 14 मीटर, तो 14 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1400 या 1400 किस पे चेंज करना है, सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 9 मीटर 78 सेंटीमीटर। सिमिलर यहाँ पे भी 78 आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, इट मीन्स हम 78 को कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमसे किसको कन्वर्ट करेंगे, 9 मीटर को कन्वर्ट करेंगे। तो 9 मीटर को हमें किस पे कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। 9 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 900 सेंटीमीटर। 900 सेंटीमीटर प्लस क्वेश्चन ने कितना सेंटीमीटर देखा है, 78 सेंटीमीटर, इनको हम ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 978 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको किसको, सेंटीमीटर को। सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिलीमीटर की हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट लिखेंगे। सो 1 सेंटीमीटर कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ओके, मिलीमीटर आपको दे रखा है, सो हम किसको कन्वर्ट करेंगे, ओनली 7 को कन्वर्ट करेंगे। 7 × 10 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 7 × 10 इज इक्वल टू 70 मिलीमीटर। 70 मिलीमीटर प्लस 4 इज इक्वल टू 74, तो यहाँ आंसर आएगा 74 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 18 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको 18 सेंटीमीटर दे रखा है, सो उसको भी हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 18 × 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 180 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। आपको जो यूनिट दे रखी है मिलीमीटर में दे रखी है, आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। ओके, यहाँ पे छोटी यूनिट दे रखी है आपको मिलीमीटर की, आपको उसको कन्वर्ट किस पे करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। इतनी हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसमें डिवाइड करेंगे। ओके, सो 70 डिवाइडेड बाय 70 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। 70 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू आंसर आएगा 7 मिलीमीटर। नेक्स्ट है 128 मिलीमीटर। अब या तो आप उसको डायरेक्ट सेपरेट कर सकते हो या आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप 128 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 10 मिलीमीटर, 10 से डिवाइड करोगे आप तो आंसर आएगा, क्वाटेंट आएगा 12, रिमाइंडर आएगा 8। तो जो क्वाटेंट आता है वो आता है हमारी बड़ी यूनिट, तो क्वाटेंट तो आएगा 12 सेंटीमीटर, बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर की, तो 12 सेंटीमीटर एंड 8 क्या आएगा मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू मीटर एंड सेंटीमीटर। आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मीटर कन्वर्ट करने के लिए होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है, इज इक्वल टू 100 मीटर। यहाँ पे आपको दे रखा है 396 सेंटीमीटर। इसको आपको कन्वर्ट इनटू मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या तो आप इसको डायरेक्ट भी सेपरेट कर सकते हो या हम इसको कितने से डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100। जब आप 963 को डिवाइड करोगे 100 से तो क्या आंसर आएगा, 9 आएगा, क्वार्टेंट आएगा, तो 9 तो आएगा इसमें 9 मीटर एंड 63 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा आपका 7 मीटर। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर एंड मीटर। किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है आपको, जो लिखी है मीटर की यूनिट दे रखी है आपको किलोमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, या 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आप डिवाइडेड बाय किससे करोगे, डिवाइडेड बाय 1000। 8000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट है 10875 मीटर। हम इसको डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 10 तो आपका आंसर बन जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे मीटर में क्या होता है 1 2 3 3 डिजिट होता है, तो हम राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 875 तो इसका क्या बनेगा मीटर बनेगा, एंड जो रिमेनिंग 2 डिजिट्स है वो क्या बनेगी किलोमीटर बनेगी, 10 किलोमीटर। या आप इसको डिवाइड भी करते हो तो डिवाइड पे भी हमारा ये सेम आंसर आएगा। सो आपको जो एक्सरसाइज 9.1 के मैंने क्वेश्चन 1 to 6 एक्सप्लेन किए हैं, ये आप अपने नोटबुक पे सॉल्व करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे।